वो जो पतली सी सूखी सी मॉडल होती है ना, जिसका तो चिपका हुआ स्वेटर होता है, उसको देख के फिसलना मत। मेरे पास फैट है तो वो क्या होता है ना, ऐसे चिपक के जब बॉडी से यूं फैट निकल कर आता, स्टाइल भी बना रहे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी। गुड मॉर्निंग गाइज, सर्दी आ गई है और आज का वीडियो होने वाला है Amazon विंटर वेयर अंडर 999। इसमें कोट्स भी है, कार्डिगन भी है, स्वेटर भी है, हैवी स्वेटर्स भी है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मुझे लगता है कि 999 के अंडर अच्छी क्वालिटी में अगर कुछ मिल जाए तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जैकेट्स, स्वेटर्स, कोट्स, सब कुछ है ना। चलो देखते हैं, तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अमेजोन पे सेल चल रही है, डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। बहुत सारे ब्रांड्स पे बहुत सारा ऑफ है, तो इस टाइम पे ना जो विंटर वेयर्स होते हैं उन पे काफ़ी अच्छी सेल होती है, तो आप खरीद सकते हो इस टाइम पे, अच्छे ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आज हम अफोर्डेबल वीडियो करने वाले हैं, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पीस। ये वाला जो स्वेटर है मैं पिछले 2-3 दिन से पहन रही हूँ एंड आई एम लविंग इट। लुक एट द कलर, दिस इज सो अप्रोप्रिएट फॉर विंटर्स। इतना बढ़िया, इतना सॉफ्ट कपड़ा है एंड ये इस तरीके से दिया गया है इसमें पैटर्न। ये वीविंग में है पूरा का पूरा एंड इस तरीके से इसमें स्लीव्स आएगी। द कलर इज सुपर प्रिटी और पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली इसका बॉटम सेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। इसका लेंथ, स्लीव का लेंथ एकदम परफेक्ट है। आई ऑर्डर्ड दिस इन द साइज मीडियम फ्रॉम द ब्रांड एडन एंड आईवी और सच में इनके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है स्वेटर्स का, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। बहुत क्लासी लगता है। सबसे अच्छी बात, सुपर सॉफ्ट, बिल्कुल नहीं चुभता है। वो जो पतली सी सूखी सी मॉडल होती है ना, जिसका चिपका हुआ स्वेटर होता है, उसको देख के फिसलना मत। अपने से एक साइज ऊपर ही ऑर्डर करना हमेशा विंटर्स में। जब विंटर वाला स्वेटर से तन जाता है ना, तो एक तो इतनी मोटी लेयर होती है स्वेटर की, तो जितने आप मोटे होते नहीं हो ना, उससे ज़्यादा मोटे दिखाई देते हो, तो वो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देता है। तो एक साइज ऊपर ऑर्डर करना, जिससे तुम्हारा स्टाइल भी बना रहे और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी। आज काफ़ी ठंड हो रही है तो मैंने कैप पहन ली है। लेट्स ट्राई दिस येलो स्वेटर। तो स्वेटर का सीन कुछ ऐसा है, आप इसे यहाँ तक लगभग पहन सकते हो। इट विल लुक वेरी नाइस ऑन डेनिम्स या फिर आपको सिंपल कुछ इसके साथ लेयरिंग करके ही पहनो, कोई स्टॉल लोगे कलरफुल तो बहुत अच्छा लगेगा। स्पेशली रेड एंड पिंक विल गो रियली वेल विद इट। या फिर मेरी तरह सबसे बढ़िया जुगाड़, कलरफुल कैप पेयर कर लो। अच्छा, ये जो कैप्स जो होती है ना, कैप्स में आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कैप्स जो है इंस्टेंटली आपका विंटर वाला लुक चेंज कर देती है। लुक ये देखो कैसा लग रहा है। इस तरीके से कैप्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, थोड़े पंची कलर्स की कैप्स लिया करो। अगर पंची कलर नीचे पहन रहे हो तो सटल ऊपर पहनो, और अगर आप थोड़ा सटल कैप पहन रहे हो तो नीचे पंची पहन सकते हो। बट ये दोनों ही पंची है। आई नो आई रियली लव कलरफुल, बट बहुत लोग को ये वाले इतने तड़कते भड़कते कॉम्बिनेशन पसंद नहीं, तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। बट आई रियली रियली लाइक दिस कॉम्बिनेशन एंड ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत कंफर्टेबल है। अनदर स्वेटर दैट वी गोना ट्राई, ये तो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ पूरा एकदम वुलन वाला वीविंग वाला फील आ रहा है मुझे इसमें। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड वेलूसा। ये वूवन स्वेटर है लाइलैक कलर का, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एंड दीज आर द स्लीव्स, तो मुझे ये भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। स्पेशली आई रियली लाइक द कलर। लेट्स ट्राई दिस आउट। सो दैट्स हाउ द स्वेटर विल लुक लाइक। आप इसे फोल्ड करके भी पहन सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। थोड़ा शॉर्ट वाला है, वो थोड़ा हल्का सा लॉन्ग। तो एज यूजल मुझे पैंट्स तो बेसिक रखना अच्छा लगता है, बट आई रियली लाइक दीज कलरफुल कैप्स। तो ये मेरे कैप्स का कलेक्शन बहुत बड़ा है, और इनके लिंक्स मत मांगना क्योंकि मैंने ये ऑफलाइन खरीदे हैं बहुत सारे। दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक एंड दिस इज लुकिंग वेरी प्रिटी अगेन। तो ये स्वेटर मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा, इसमें सर्दी काफ़ी कम लगी क्योंकि पूरा वूवन स्वेटर है ये। एंड या जस्ट परफेक्ट। इस पर भी आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कैप पेयर कर सकते हो। मे बी अ वाइट वन विल ऑल्सो लुक गुड, लाइट पिंक बहुत अच्छा लगेगा, या फिर कुछ ऐसा अतरंगी जैसा मैंने पहना हुआ है। आई रियली लाइक दीज अतरंगी कैप्स। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप पेयर कर सकते हो एंड इट विल लुक वेरी कूल, स्पेशली कलर बहुत अच्छा। नेक्स्ट आई हैव ऑर्डर्ड फ्रॉम द ब्रांड कैंपस सूत्रा, और ये 600 समथिंग का मुझे मिला। इसका पिछले सर्दियों में मेरे पास ब्लैक और वाइट कलर था, सो आई ऑर्डर्ड दिस रियली नाइस बेज एंड वाइट कलर, जो कि मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है। आई रियली लाइक दिस कलर। लोग जनरली वाइट के पीछे भागते हैं विंटर्स में, या ब्लैक के पीछे स्टेपल्स में, या रेड के पीछे, बट आई थिंक बेज एंड ब्राउन्स आर वन ऑफ द मोस्ट क्लासी कॉम्बिनेशंस, मुझे ऐसा लगता है। सो दे यू कैन डेफिनेटली ट्राई, बहुत अच्छा लगता है साथ में। तो इसका जो पैटर्न बड़ा डिफरेंट आता है इस तरीके से स्वेटर में, इसमें अटैच स्लीव्स आएगी नीचे, बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है। पिछले बार आपने उन्हें बहुत पूछा था, सो आई ऑर्डर्ड अ सिमिलर वन। लेट्स ट्राई दिस आउट। सो दैट्स हाउ अ स्वेटर विल लुक लाइक। एंड इसका जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छा आता है, लगभग यहाँ तक मुझे आता है आराम से। आप इस पर कोई भी कैप पेयर कर सकते हो। मुझे लगता है कैप का वीडियो ज़्यादा है और स्वेटर्स का कम। एनीवेज, दिस इज़ ऑल अबाउट स्वेटर्स। तो इसमें इस तरीके से स्लीव्स आएंगी। एंड इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, मैंने इसको बहुत सर्दी में भी पहना और इसमें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। सो आई रियली रियली अडोर दिस। और 600 रुपये में ऐसा पीस मिलना,
is a great deal. Another piece that we are going to try is this. मैं इसके बारे में थोड़ा सा doubtful. Is this sort of a sweater? ब्लैक एंड व्हाइट स्वेटर दो ही देखने में अच्छा लग रहा है बट मैं इसके फिट के बारे में थोड़ी सी वरीड हूँ क्योंकि इसका जो फिट है ना वो बहुत एक पतली सी फिट सी मॉडल ने पहना हुआ था बट मेरे पास फैट है तो वो क्या होता है ना ऐसे चिपक के जब बॉडी से यूँ फैट निकल कर आता है तो वो बहुत अजीब लगता है तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा लग रहा है बट लेट्स ट्राई देखते हैं ये पहनकर कैसा लगता है तो ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने बोला था वैसा ही कुछ हुआ इसके साथ बट इस तरह की जो चीज़ें होती है ना जो बॉडी को बहुत ज़्यादा हक करती हैं ये लेयरिंग के लिए बहुत अच्छी होती है आप इन्हें मेन कपड़ा समझ के नहीं पहन सकते कि मतलब यही पहनने का मैंने अंदर इसमें टी शर्ट पहनी हुई है ऊपर से मैंने पैंट पहन लिया है बट दिस इज़ परफेक्ट फॉर लेयरिंग बिकॉज इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है एंड ये काफ़ी कलर्स क्लासी है बिकॉज आई डोंट लाइक मल्टीपल कलर्स इन दीज टाइप ऑफ हाई नेक्स तो ये मुझे लगता है कि बहुत सही लगेगा एंड इसका लेंथ भी मुझे लगभग यहाँ तक आ रहा है बट मैंने इसको अंदर टक कर लिया है अब दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करते हैं जो कि इसके लिए बहुत अच्छा मैच है मैंने ऑर्डर किया है एक कोट अंडर 999 वैसे तो मुझे ऐसी बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं है कि 999 में तुम्हें कोई कोट दे सकता है ये वैसा कोट वाला फैब्रिक नहीं है जैसे सुपर सॉफ्ट फैब्रिक जैसा पैंट्स वगैरह में आता है कंफर्टेबल वाली जो होती है बट एनी वेज वी हैव टू ट्राई दिस आउट एंड ये मैंने 999 में ऑर्डर किया सो आई वॉन्टेड टू सी कि आता कैसा है इट इज़ क्वाइट लॉन्ग एज वेल और इसमें इन लोगों ने यहाँ पर ये बांधने के लिए स्ट्रैप भी दिया है चलो ट्राई करते हैं एंड आई थिंक कि इसके ऊपर बहुत अच्छे से जाएगा ये मैंने ऑर्डर किया है इन द साइज मीडियम कोट में आपको ज़्यादा बड़ा साइज लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोट अगर ज़्यादा बड़े लोगे तो फिर वो बहुत यू नो कोट में एक स्ट्रक्चर होता है तो फिर वो ऐसे कंधे गिरेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता ओके दिस इज़ क्वाइट वॉर्म अच्छा फील हो रहा है मुझे इसमें नॉट बैड यार 999 के हिसाब से मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ये 999 वाला कोट अच्छा लग सकता है एंड इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल आप इसे आराम से कैरी कर सकते हो जितना चाहो उतना टाइट कर सकते हो पीछे से फ्रंट में ही बहुत अच्छा लुक आ रहा है एंड इट फील्स सो सॉफ्ट ऑन योर स्किन स्पेशली इफ़ यू हैव अ बेबी तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा ये मैं आपको पूरा लुक दिखाती हूँ दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक आई मीन पूरा लुक बहुत सही लग रहा है ना पैंट्स हाई नेक और ऊपर से ये कोट ब्लैक कलर का उसको बहुत अच्छा लुक दे रहा है एंड इट्स लुकिंग क्वाइट क्लासी आप इस पर अपने बूट्स ऐड करना मैंने तो अभी अपनी चप्पल पहनी हुई है बट बूट्स ऐड करके ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड दिस इज़ डेफिनेटली वर्थ इट ये दोनों का कॉम्बिनेशन तो एकदम ऐसे झक्कास लग रहा है सो दिस इज़ द नेक्स्ट पीस ऑफ द वीडियो इट्स अ वेरी नाइस ग्रीन हाई नेक आई थिंक कि एक ग्रीन हाई नेक होना बहुत ज़रूरी है स्पेशली थोड़ा डार्क सा कलर बिकॉज एक तो ये बहुत क्लासी लगता है विंटर्स में दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स मरून एंड ग्रीन आर माई फेवरेट इन विंटर उसके अलावा इसको लेयर करने के बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा उभर कर आता है और लेयरिंग में सबसे ज़्यादा काम आते हैं बेज ग्रीन ब्लैक रेड वाइट एंड मरून कलर तो ये वाला एक हाई नेक है जिसका फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड आई थिंक गुड फ्रे ओके और इसमें स्लीव्स भी आई हैं जो टॉप मैंने पहना हुआ है इसका जल्दी वीडियो आएगा विंटर एसेंशियल्स का स्टे ट्यून फॉर दैट बट अभी इसको ट्राई करके देखते हैं तो ये हाई नेक कुछ ऐसा आ रहा है पहनने के बाद इसका लेंथ भी लगभग यहाँ तक मुझे फॉल कर रहा है एंड दिस इज़ कम्फर्टेबल सॉफ्ट फैब्रिक इनफ बहुत अमेजिंगली सॉफ्ट नहीं है बट हाँ आप कैरी कर सकते हो इतना कम्फर्टेबल तो ये फैब्रिक है बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस इसका फैब्रिक वगैरह थोड़ा हल्का सा मोटा आया है जिसकी वजह से ये आपके बॉडी फैट को अच्छे से कवर कर रहा है एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट कि बहुत ज़्यादा पतले जो कपड़े होते हैं उनमें बहुत उभर के आता है एंड दैट लुक्स रियली चीप समटाइम्स और ये मेरी वॉच से भी मैच कर रहा है सो या आई रियली लाइक इट मैं इसमें दो तीन कलर्स और ऑर्डर कर सकती हूँ बिकॉज ये मेरे लेयरिंग में बहुत काम आने वाला है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जब मैंने ऑर्डर की थी तो ये 999 से कम की थी अभी मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या चल रहा होगा बिकॉज सेल्स में प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं मेनी टाइम्स तो आई बॉट दिस ब्यूटिफुल जैकेट फ्रॉम द ब्रांड सिम्बल आई वॉन्ट टू ट्राई अ पिंक जैकेट मेरे पास नहीं थी सो लेट्स सी कि ये हम रख सकते हैं या नहीं दिस इज इन द साइज लार्ज अगेन सेम थिंग गोज विद द जैकेट्स कि एक साइज ऊपर ऑर्डर करना बिकॉज जैकेट्स ज़्यादा फिटेड नहीं अच्छी लगती हैं सब विंटर्स में आप लेयरिंग भी करोगे तो वो गड़बड़ हो जाता है हमेशा देयर यू गो दिस इज द परफेक्ट साइज बिकॉज मुझे जैकेट्स ज़्यादा छोटी लेंथ वाली भी नहीं अच्छी लगती हाउ गुड दिस इज लुकिंग द कलर इज़ वेरी प्रिटी इसमें फोटोज भी बहुत अच्छे आएंगे मैं लाइट पिंक टोपा पहन के आती हूँ ये कैप पहन के मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे मैंने अपनी बेटी का कैप पहन लिया हो बट एनीवेज लक क्यूट राइट ठीक है दिल तो बच्चा है जी एनीवेज इट्स लुकिंग वेरी नाइस और ये जो पिंक कलर का स्वेटर है
मतलब पिंक कलर की जो जैकेट है इसमें हवा पानी होगी, सो दिस इज नॉट वेरी वार्म, देखो ये तो मैं ठंड से नहीं बचा सकती, बट आ लेयरिंग के लिए फैशन के लिए अच्छी है, अंदर कुछ हैवी हाईनेक पहनो जैसे मैंने पहना है, एंड देन यू कैन इजिली स्टाइल इट, लुक वेरी क्यूट, सो दिस इज लुकिंग बेटर, ये वाला कैप ज्यादा अच्छे से जा रहा है, दिस जैकेट इज अ 10/10, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू, उसमें पिक्चर्स बहुत अच्छे आएंगे, और ये सबसे अच्छी बात है कि ये हवा से आपको काफी बचा लेगी विंटर्स में अगर आप ट्रैवल करते हैं स्पेशली। लेट्स ट्राई द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द वीडियो इज दिस कार्डिगन, दो आई डोंट लाइक वेयरिंग such cardigans but I just wanted to try once, so ये एक इस टाइप का कार्डिगन है विच इज़ ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट एज वेल, आई थिंक मैंने बहुत जगह पे देखा है इसको, एंड इसका जो कपड़ा है बहुत सॉफ्ट एंड फरी सा होता है, तो अगर आपको कुछ सॉफ्ट एंड फरी चाहिए तो वाला ट्राई कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो बिलो 999, लेट्स ट्राई कैसा लग रहा है। वैसे टू बी फ्रैंक जितना मैंने सोचा था उतना बुरा भी नहीं लग रहा है, ठीक ठीक लग रहा है, आप चाहो तो ये कैरी कर सकते हो, खरीद सकते हो, इट्स अ नाइस ऑप्शन, बट मुझे जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रहा बिकॉज दिस इज नॉट माई स्टाइल, इसका लेंथ भी थोड़ा बीच में है, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीचे है, दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक, सो you can try if you want something in white. So that's it for today's video. I hope ki video aapko achhi lage, construction ka kaam chal raha hai aur ye log ek minute bhi nahi rukte hain. To video achhi lagi to like kar dena, subscribe kar dena channel ko, share kar dena friends ke sath. Till then take care. Bye bye, see you in my next one. Aur jaise hi meri video khatam ho jati hai na, inka kaam bhi khatam ho jata hai.